क्या हो रहा है बेटी हुई, कैसा लगा आपको? आप अपना रिएक्शन बताइए। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा और बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हमारे घर में एक नहीं दो एक बेटी ये पहली बेटी ये है और दूसरी वाली बेटी आ गई। हमारे घर में बेटों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो हम चाहते कि और एक और लड़की आ जाए। बस दो ही लड़की है ना। हाँ। और लड़की में एक शिवांश हो गया, सार्थक हो गया, रौनक हो गया, तीन आदमी हो गए। तीन लड़की और एक लड़की, ऐसा नहीं होना चाहिए इसे, तीन लड़के और दो और एक और लड़की आ ही गई। हाँ, पर सिद्धि हमारी बेचारी बहुत परेशान है क्योंकि पहले वो तो सिंगल सिस्टर थी, सिर्फ एक ही बहन थी, तीन तीन भाई होते तो सिर्फ, और रक्षाबंधन में अच्छा अटेंशन मिलता था, सारे गिफ्ट इतने ही मिलेंगे, लेकिन अब तो बट जाएगा। हाँ हाँ, बाबू सोया हुआ है? मम्मी मम्मी क्या हुआ? हमारे घर में एक और बेटी आ गई मम्मी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी। रूम में थोड़ा लाइट कम लग रहा है मुझे, इसका वायर लगा देते हैं। लाइन है ना अभी, तो इसका वायर इसमें लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना लाइट आएगा मेरे रूम में। वाह, ये हुई है बात। अब बोलिए मम्मी। तो मैं भी गया था शॉप पे और शॉप से वापस आ गया मैं, अब बहुत थका हारा आया हूँ। लेकिन ये खुशखबरी मुझे कब मिली थी पता है मम्मी? सबसे पहले पापा जी फ़ोन करके दिए कि बेटी हुई है, तब हमको पता चला कि अच्छा एक और बेटी आ गई घर में। ये तो इधर तीन बेटे हो गए थे और बेटी एक ही बस, अब अच्छा है दो हो गया रक्षाबंधन में सबके लिए। बेटू तो सोया हुआ है तो बेटू को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और कुछ बोलना है मम्मी? चेंज करो, खाना खाओ। ये तो रोज करते हैं, कुछ नया बोलिए ना। क्या बोले, बहुत खुश है, बेटी हुई है। हाँ। सार्थक के बहन हुई है। हाँ। बहुत खुश है, बहुत बहुत ठीक है आपकी खुशी। हाँ। आप खुश हैं बहुत अच्छी बात है। और मेरी रील्स नहीं बन रही थी इंस्टाग्राम की, तो मैं कल से रेडी करूँगा रील्स बनाने का। वैसे थोड़ा हेल्दी हो गया ना मम्मी? नहीं, हमको इससे ज़्यादा ना, इससे ज़्यादा का मतलब नहीं, अभी भी थोड़ा बहुत ना, अभी भी चाहिए, वेट कम करना होगा, हल्का सा खाली वेट नहीं कम करना। उसके लिए तो सिर्फ सलाद वगैरह खाना पड़ेगा। मम्मी ये देखिए तो मेरा मुँह हल्का फूला फूला नहीं लग रहा है पहले के मुकाबले? नहीं अच्छा लग रहा है, मोटे हो गए हम। अच्छा गाइस, कमेंट में बताइएगा मैं मोटा हुआ हूँ कि पतला हुआ हूँ। देखते हैं ज्यादा कमेंट कैसे आता है। अच्छा लग रहा है, इसलिए तारीफ नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं वापस, और क्या दिखाएं, और कुछ दिखाने को तो है नहीं, ये रूम वैसा का वैसा ही है जैसा मैं छोड़ के गया था। पर अभी कुछ आइटम्स यहाँ पे नए लग रहे हैं मुझे, और वो ये है कि ये जो रड आया है इस स्लाइडर के लिए, क्या नाम रखा है? नाम तो है, सिवान का नाम तो सौसिंग ही है, सिवान का भी नाम सौसिंग ही है। सिवान सार्थक समृद्धि तो आपकी सिस्टर ने क्या नाम रखिएगा? हाँ। तो शत्रुधन तो लड़का का नाम है, और वो लड़की का नहीं है, लड़की का शत्रुधनी। शत्रुधनी एक शिवांगी बोली है। शिवांगी और क्या? शिवांशी, शिवांशी। हाँ दोनों अच्छा नाम है, शिवांशी या शिवांगी। शिवांगी, हाँ शिवांगी, शिवांगी चाहे शिवांश, क्या बोली? शिवांशी। चलिए, बहुत सारी शूटिंग हो चुकी है हमारी, और यहाँ पे रोटी गोल गोल बन रही है। मैं भी रोटी से गोल बना सकता हूँ, आपको पता है? नहीं, मैं इसे गोल बना के खाता था। हाँ अच्छा, एक दिन कुकिंग मैं ना सुबह के टाइम में पूरे फैमिली के लिए मैं अकेले कुकिंग करूँगा, ठीक है? और उस दिन का ब्लॉग आप शूट कीजिएगा। और क्या क्या बनाऊँगा मैं? रोटी, चावल, दाल और अच्छी सी सब्जी एक दो, और बस हो गया, और कुछ नहीं। तो मुझे मिल गया मेरा काम,
अब चलते हैं, अपनी ड्रेस को चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद क्या सीन आ रही है? अभी बबुआ को तो छोड़ेगा नहीं वहां से, बाबू को हाँ, तो मतलब कब तक वहाँ से छोड़ेगा? पता नहीं, हम इनसे फोन पे बात किए तो बोल रहे थे कि बाबू केजरीवाल में लेके जा रहे हैं, और फिर फोन काट दिए, बताएंगे कि वहाँ पे रखना है या चेक करवा के ले आना है। कोई नहीं, तो अब मैं फोन करके पूछता हूँ, और साथ ही साथ मैंने उनसे कहा कि प्लीज एक फोटो भेज दीजिए, देखना। फोटो भी कोई नहीं भेजा सच में अभी तक, फोटो एक फोटो नहीं भेज रहा। गजब हाल है, गजब गजब बेइज्जती है। तो हमारा हक है देखने का, इसलिए भाई हम फोन करके पूछते हैं भैया से कि कब तक आने वाले हैं, और बाबू को लेके आने वाले हैं कि नहीं, ये भी पूछेंगे, और एक फोटो कम से कम जरूर मांगेंगे। सो चलते हैं। क्या कर रहे हो तुम, कल क्या रहे हो ये बता पहले। ये देखिए मम्मी कितना आगे चला है, पीछे देख सकते कर सकते। अरे लड़का देखिए, पहले वहां पे था, ये उतना दूर था, और वहां से यहाँ तक खुद आया अपने। देखिए अब कूद जाएगा, अब नीचे कूदेगा। मम्मी देखिए कहाँ कहाँ आ गया बाबू, ये देखिए। अब जा, अब गिर के बता दे रहा, अब कैसे करोगे? पर पकड़ ले रही है मम्मी बेटा, अब कैसे करोगे ऐसे? मम्मी इसको सही में अकेले छोड़ना मुश्किल है, इसको उठाइए जल्दी, गोद में उठाइए जल्दी, गोद में उठाइए बिट्टू को। मैडम बिट्टू कुमार, मेरा बिट्टू कुमार। तो बिट्टू कुमार यहाँ पे रुकने का पूरा ट्राई कर रहे हैं, एक्चुअली वहाँ पे थे वो, और वहाँ से एकदम से आगे आ गए और गिरने से बचे हैं। क्या बता दीजिए, कैसे गिरने से बचे हैं? हाँ ऐसे बचे हैं, एक बार और बता दीजिए। तो ये दातुन निकाल लीजिए, दातुन निकाल लीजिए, अब बोलिए। सोनू बेटा अब बोलिए ना, सोनू बेटा, सोनू बेटा, अरे सोनू, हाँ देख रहा कितना बात करता है मेरा बेटा, बहुत होशियार बेटा है। एक उम्मा उम्मा दे दो, एक उम्मा दे दो, एक उम्मा दे दो। हो गया, और बात करना है बाबू को? बाबू को और बात करना है? वही रो, ओ हिलो मिला, मिल छूना बेटा है, और करेगा बात? ले मम्मी को एक थप्पड़। दादी को मारता है बेटा, दादी को एक थप्पड़। बेटू मेरा छूना, दादी को एक थप्पड़ मार दिया। थक गया मेरा बाबू, चलिए थक गया आप खाना खिलाइए। तो कैसे हैं आप सभी लोग? और मैं कन्हैया, और हेलो, और राजन है अभी हमारे साथ। राजन हेलो, हाय। तो गाड़ी पे चलाने पे ध्यान दीजिए, हाय हेलो बाद में कीजिएगा। तो अभी हम सभी लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी की सर्विसिंग नहीं, सॉरी, हम लोग अपनी गाड़ी की मॉडिफिकेशन जो भी समझ लीजिए वो कराने जा रहे हैं। और लास्ट टाइम जब राजन के ब्लॉग में आपको मैंने दिखाया था कि राजन का किस कैसे हमने मॉडिफाई कराया था गाड़ी, तो राजन याद है तुम्हें? फिर तुम पहला मेरा लेसन भूल गया, अभी गाड़ी चलाने को कहा ना ठीक से, गाड़ी चलाओ। तो बातचीत तो होती रहेगी, और अभी मैं बता दिया मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मैं जाने के बाद क्या करता हूँ वो सब देखने के लिए बने रहिएगा। और ये पकड़िए। हे एवरीवन, तो आप सभी लोगों का पहले स्वागत करते हैं हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल, मतलब हमारे भाई के यूट्यूब चैनल में। एंड आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने वाले ब्लॉग में आपको बता भी दिया है, एंड इसमें बता देता हूँ कि एक्चुअली हम कार की मॉडिफिकेशन करने जा, एक्चुअली ये विचार लंबे समय से चला आ रहा था कि अब करना है अब करना है, बट ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। बट फाइनली भाई की जीत के सामने मुझे आज हार मानना पड़ा। ग्रेट सक्सेस, कितने दिनों से बोल रहा था कि चलना है, बट मैं टालते जा रहा था कि पुरानी हो गई कार, इसमें क्या खर्चा करना। तो फिलहाल आज भाई के बात को मानते हुए हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फरपुर, और अपनी इस कार में कुछ मॉडिफिकेशन करवाएंगे। एंड बाकी आप लोग देखिएगा हमें वहाँ क्या क्या करवाना है, जो भी वर्क होगा हम आपको बता देंगे। तो फिलहाल ब्लॉग में बने रहिएगा, एंड एंजॉय कीजिएगा लास्ट ब्लॉग को।
ये वाली आर्म रेस्ट सेलेक्ट की है लगाने के लिए, जो कि यहाँ गाड़ी में लगाई जाएगी। और सभी लोग अभी बैठ के वहाँ पे कॉमेडी कर रहे हैं। सभी लोग बैठ के वहाँ पे कॉमेडी कर रहे हैं और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ इसको लेके। तो चलते हैं वापस। तो ये पहली चीज जो गाड़ी में अभी लगी है, ये चिपका दी है क्या? ना ना, वो इसे फिर निकल जाएगा। निकल जाएगा। तो ये ऐसा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये लगवा लेते हैं हम लोग। और पहला चीज था जो राजन ने अभी सजेस्ट किया है लगाने के लिए, तो मैं लगवा रहा हूँ राजन की तरफ से। काफी काफी अच्छी लग रही है। और आगे देखते हैं। तो राजन कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो अभी अचानक से मौसम इतना अच्छा होने के बाद ही सोमिया को मन किया आइसक्रीम खाने का। ठंडी ठंडी मौसम में ठंडा ठंडा आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। आइसक्रीम के खोज में निकल गया, देखिए अब कितना दूर जाना पड़ता है। और जल्दी हम लोग को आइसक्रीम मिल जाएगी ये तो। और कुछ बोलना चाहते हो? और कुछ बोलना चाहते हो? बस देखिए कितना दूर जाना पड़ेगा इसलिए, क्योंकि गाड़ी का काम चल रहा है। तो हम लोग सोचे कि जब चल रहा है वहाँ पे रोशन भैया और कन्हैया है, वेट करने में अच्छा है। चलो आइसक्रीम खा के आते हैं। और कन्हैया के लिए चिप्स लेके जाना है। चलिए ठीक है, आप लोग भी बने रहिए लास्ट तक, देखिए एंजॉय कीजिए। और हम लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं वाइल मतलब ये ब्लॉग शूट करते हुए। और ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है। मैं आप लोग के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोग मतलब इतना ब्लॉग को अप्रिशिएट करते हो, देखते हो, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। थैंक यू ऐसा प्यार बनाए रखने के लिए। एंड दिल से मतलब मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोग हमेशा जहाँ रहो, जहाँ भी रहो, खुश रहो और बस अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो। और ऐसे ही शुभम भैया को सपोर्ट करते रहिए। एंड लव यू ऑल, बाय बाय। तो फाइनली हम लोग को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा और बगल में ही मिल गया हम लोग का प्यारा सा। तो फाइनली आ गया हाथ में। तो चलिए कोई भी दे दो, ट्राई करते हैं इसे। सो चीयर्स। चीयर्स भाई। आप पैकेट में तो हॉर्न फ्री में लगा दो। तो क्यों लगनी है पैकेट? अगर इनको फ्री देते हैं तो इनको हॉर्न फ्री में लगाना पड़ेगा, जिसका प्राइस है 1600। बन के रेडी हो गई है। और कैसी लग रही है राजन? बहुत बढ़िया लग रही है। ऐसे रहेगा ना? मैं डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ, ये जो क्रोम का डिजाइन है ना, हाँ, इससे इसका खूबसूरती और बढ़ गया। और यहाँ पे ये क्रोम ऐसे हो गया तो क्या होगा? ये होगा तो इसमें बोतल हटेगा। बोतल? अच्छा, ये इसको कोच के बताए हाथ आके। ऐसा ही कोच के हटाना है ना? हाँ। और ये जो है ना, अगर हाथ ये थोड़ा आगे बढ़ाने वाला है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। अच्छा, ऑटोमेटिक। जब उम्र में इसको आगे बढ़ा दीजिए, पीछे कर दीजिए। सब समय समझ गया मैं। ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर आराम देता है। गाइस अब ये हमारी कार में लग रही है अंदर ब्लू कलर का लाइट। ब्लू कलर का ना रोशन भैया? ब्लू कलर का। वही भैया यही अभी कट कर रहे हैं और देखते हैं ये लगने के बाद कैसा लगता है, क्योंकि ये आपको दिखाएंगे जब हम लोग शाम को निकलेंगे तब। अभी तो काम चल ही रहा है हमारा गाड़ी का। और सामने में ये हमने क्रोम लगवाया है ग्लास पे, जो कि अच्छी लग रही है। और ये बलिनो का टैग, ये बलिनो का टैग है, ये भी काफ़ी सुंदर लग रही है। और लाइटनिंग का काम हमारे गाड़ी का चल रहा है। इधर का लग गया कन्हैया? इधर का भी लग रहा है। और पीछे भी भैया काम कर रहे हैं, तो पीछे का भी हमारा काम हो रहा है। तो जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होता है, फिर इसका अच्छे से हम लास्ट में सब दिखाएंगे आप लोगों को कि क्या क्या हम लोग अपने कार में लगवाए हैं। तो फिर बने रहिए आप ब्लॉग में और आगे और भी मजा आने वाला है। तो घूम फिर के और गाड़ी का सारा काम कराने के बाद आ चुके हैं केसरिया गार्डन में। राजन, तो हम लोग यहां पे हैं। सोच तो हम लोग हैं केसरिया गार्डन में और यहां पे फोटो शूट चल रही है। सलाद दिख रहा है। खाना कहाँ गया? आराम से लेते हैं।
तो ये बिरयानी भी लग गई है। क्या क्या खाया राजन? अभी हम लोग चिकन लेग पीस खाए हैं। अच्छा, और कहाँ हैदराबादी चिकन, हाँ उसके साथ लच्छा पराठा, और हम लोग बिरयानी खा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हो गया आज के लिए, बहुत हीवी है। नहीं नहीं, बहुत हीवी नहीं हुआ, नॉर्मल ही है। अभी नॉर्मल है, अभी नॉर्मल, अभी तो नॉर्मल। हम दोनों के लिए हीवी हो गया, हम दोनों के लिए नॉर्मल है। अच्छा, कन्हैया से पूछ लीजिए। बहुत सारा खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो कुछ मीठा हो रहा है आप लोग का? ये महीना लगवाना था जहाँ 32 का लगा, 30 का लगा ना, 32 का। यहाँ कुछ मीठा कैसा लग रहा है? कुछ मीठा हो गया क्या? बहुत अच्छा। दो सोचा एक पैक कर ले करके। तो हमने मंगाया है हॉट गुलाब जामुन और इसे टेस्ट कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है गुलाब जामुन का। बहुत अच्छा टेस्ट है ना हॉट गुलाब जामुन। यहाँ भी आ चुका है हॉट गुलाब जामुन। यहाँ पे आनंद मंगाया, क्या मंगाया? यह स्पॉन्ज है, क्योंकि गुलाब जामुन हम नहीं मंगाएगी। हमारे पास पैसा नहीं है पेमेंट के लिए। कोई बात नहीं, आप बर्तन धो दे सकते हो। यहाँ पे कन्हैया को छोड़ दो, बर्तन वगैरह मजे का ठीक है। बर्तन मजने का साफ नहीं, लेकिन हम किसी को सबको पूछ के खिला सकते हैं। हम सलाद करने का काम कर सकते हैं। तो पैसा देना होगा उल्टा तुमको, फिर भी एक महीना का लेंगे बोलोगे आप? एक महीना ला जाऊँ, लेकिन ऐसा था ना कि खा के करा दें तुम। लास्ट में तुम खा ही रहे। हे फैमिली, तो अभी हम लोग की खाना पानी दाना पानी सब हो चुकी है। और ये क्या नौटंकी था? मतलब खाने के साथ बेकार है। मतलब कॉमेडी के नाम पर कुछ भी करोगे? बॉस इज राजन, राइट राजन, कुछ बोलिए। बॉस इज ऑलवेज बैक। तुमको खुद पता है तुम क्या बोल रहे हो? यस ब्रो, गेट पर लगवा ले ली। एक कॉमेडी इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से कन्हैया इस तरह से कर रहा है। कन्हैया का दौरा नहीं पड़ा है क्या?